करैरा थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में संपन्न हुई वसुधैव कुटुंबकम की बैठक। समाज से जातिगत धारणा खत्म करके केवल समाज से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को खत्म करना है। आज करैरा थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देशन में थाना प्रभारी सुरेश शर्मा द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी समाज एवं धर्म में शांति सद्भावना बनी रहे, इस मुद्दे को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य बिंदु वसुधैव कुटुंबकम रखा गया था। इसका अर्थ धरती ही परिवार है। इस धरती पर जो भी लोग जाति धर्म संप्रदाय से आते हैं वह मिलजुल कर रहे। थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बीता हफ्ता शिवपुरी जिले की पुलिस के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा है, जहां एक ओर चक्ररामपुर की घटना में एक समाज के चार लोगों की दर्दनाक हत्या हो जाना, वहीं भौती में भी एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आने के बाद दो समाजों में बैमसता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन एक व्यक्ति के अपराध पर पूरी समाज दोषी नहीं कहलाती है। हमारा उद्देश्य अपराधी को सजा दिलाना है, ना कि पूरी समाज से लड़ना है। बैठक में तहसीलदार कल्पना शर्मा, SDOP शिव नारायण मुकाती, CMO ताराचंद्र धुलिया, ITBP एड महेंद्र सिंह सिकरवार, मंचा सिंह रहे। भाजपा कांग्रेस भाजपा भीम आर्मी पार्टी के नेतागण, ग्रामीण सरपंच, सचिव, गणमान्य नागरिक सहित पत्रकारगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सतीश श्रीवास्तव ने किया। आभार थाना प्रभारी सुरेश शर्मा द्वारा किया गया। करैरा में वैसे शांति समिति की मीटिंग बुलाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि करैरा बहुत शांत है। मैं 1.5 साल से करैरा में हूँ और यहाँ किसी प्रकार का कोई भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि यहाँ शांति समिति की मीटिंग की कोई आवश्यकता हो। परंतु फिर भी मैं TI साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने सारे लोगों ने समझ बुला के कहा। और जहाँ तक नगर परिषद का सवाल है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप नगर परिषद के लिए मेरे को और मेरी परिषद को सहयोग करें। नए दरोगा के आने में चुस्ती फुर्ती सी आ जाती है पूरे के पूरे थाने में। चुस्ती फुर्ती सी आ जाती है पूरे के पूरे थाने में। चोर उचक्कों में डर सा बैठ गया है और घबराए हैं थाने में जब से नए दरोगा आए हैं। थाने में जब से नए दरोगा आए हैं, इसमें के व्यापार कुछ मंद मंद है, जुआ की फड़ पूरी तरह बंद है। मेरा जन्म दतिया का है, वहीं से शिक्षा पूरी की और करैरा में जहां भर्ती हुआ। और आज फिर करैरा में मौका मिला और मेरे को बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, जय हिंद। सभी गणमान्य नागरिक, आदरणीय हमारे पार्षद चिकू खान जी, आदरणीय हमारी बहन सीमा जी, आदरणीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष रावत जी और हमारे सभी पत्रकारगण, आदरणीय TI साहब, जिन्होंने मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करती और ना मैं कभी झूठ बोलती हूँ। मैं सत्यता की लड़ाई लड़ती हूँ और सत्यता की बात करती हूँ। जब से इस करैरा में TI साहब आए हैं, जब से बहुत ही शांति है। आज आपने जो सभी शहर के हमारे मुकद्दमी आदरणीय SDOP साहब, तहसीलदार मैडम जी, ITBP पदाधिकारी और हमारे नगर के पत्रकार महोदय और हमारे पिता तुल बुजुर्ग और युवा साथियों पिता तुल बुजुर्ग चरणों में नमन करते हुए, आज आपने देखा होगा वर्षों से मैंने यहाँ पर जब से करैरा आए हैं ये देखा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो हमेशा झगड़े बड़ी ताकत में मर्डर होते हुए पार्टियां भी मैंने आज तक अपने 30 साल के कार्यकाल में कभी इस नगर के अंदर ये नहीं देखा कि बहुत बड़ी कोई घटना हुई। और हमेशा ही आपने देखा होगा कभी भी इलेक्शन कभी भी चुनाव लोगे, चुनाव के पहले भी कोई विवाद नहीं रहता किसी भी दलों, ना चुनाव के निपटने के बाद में कभी विवाद हुआ हो, शांतिपूर्ण एक दूसरे से चुनाव चलते भी रहते हैं तो एक दूसरे से मिलते रहते हैं और चर्चाएँ भी हमेशा होती रहती हैं। सभी अच्छी बहन है, सभी अच्छी भाई है, मुल्क है इत्तेफाक से आजाद और शहर है इत्तेफाक से आबाद। अगर हम इत्तेफाक खो बैठे समझो अपनी पूंजी के हाथ धो बैठे। सामाजिक रूप से ऐसा कोई वर्ग यहाँ पर नहीं है जो किसी वर्ग के रूप में प्रतिघात करे,
अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करता है। और वर्तमान में जहां तक प्रश्न है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। हम सब लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं प्रशासन को पूरी तरह से साथ देने के लिए प्रतिबद्ध थे, हैं और रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैं बात बता देता हूँ, आज आप यहाँ देखेंगे यहाँ तीन देवियाँ बैठी हैं और मुझे नहीं लगता कि इन तीन देवियों में धर्म के हिसाब से पूर्णता रहती है। मैं सबका वंदन करता हूँ, धन्यवाद, मुझे बुलाया, प्रणाम, नमस्कार। किले के नीचे रहता हूँ, आपको आवश्यकता होगी आप मेरे पास जाओ, सब्जी आप बगीचा के वहां रस्ते में लगा लो, मैं सब्जी मुझे खरीदना होगी वहां जाऊंगा। लेकिन आप लोग एक हो जाओ कि सब्जी यहाँ के अलावा नहीं बिचेगी, नहीं हम तो घर पर ही जाके थाने के सामने ठेले लगाएंगे। ये गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। माने नगर पंचायत को जितना सहयोग करना चाहिए बस्ती का नहीं मिल रहा है, मुझे इसमें कोई दो मत नहीं है कहने में। नेतागिरी मैं करता नहीं हूँ, मैं कर्मचारी हूँ, आदरणीय सतीश श्रीवास्तव जी के सानिध्य प्रबंधक हूँ मार्केट साइड नरवर में, फुल ईमानदार व्यक्ति हूँ, कोई अपने मुंह से नहीं कहेगा, सब अपने आप को अच्छा कहते हैं। निगेटिविटी जो फैलाई जा रही है वो फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे समाज को ऊंचा और नीचा दरकिनार करने की कोशिश में ये घटना घटित हो रही है। तो सभी पत्रकार बंधु प्रशासक महोदय भी बैठे हैं, सबसे मेरे अनुरोध है कि अगर आपके कानून के अंतर्गत कोई गाइडलाइन हो, इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको दुष्प्रचार न होने दें। और मैं कनाडा के लिए इतना कहना चाहूंगा, हम सातों समाज बड़े मिलजुल कर यहाँ निवास रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। और करेरा करेरा हम सबके लिए पावन है। इस कस्बे के शहर के सम्मानी नागरिक मेरे सम्मानी मंच, ये जो आपने बताया अभी सीएमओ साहब ने, शायद आपको मालूम नहीं है कि ये मीटिंग क्यों बुलाई है। ये अकेले नहीं है, सर्व समाज के लिए बुलाई है। इसमें अपने लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, वसुंधरम धरती माँ को बोलते हैं और वसुदेव कुटुंबकम ये पूरा संसार जो हमारा परिवार है, इसलिए आज हमने मीटिंग का आयोजन किया है। क्यों किया है सबको मालूम है, अपने जिले में दो जगह बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई है, क्योंकि उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसलिए हम लोगों ने बुलाया सभी समाज के लोगों को। और मैं खुलकर इस संबंध में बात करूंगा, बाकी जवाब तो सब लोगों का है मेरे पास। छोटी छोटी समस्या है जैसे शहर की बात बोली तो शहर के लिए हम ये 3 तारीख हो जाए मीटिंग बुला के सबसे पहले समस्या का निदान करेंगे, जो हाथ ठेले वगैरह लगे अपना ट्रैफिक व्यवस्था खराब है उससे सबसे पहले मैं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पर यहाँ पर आया था, चुनाव के समय पर आया था, हम लोगों को चुनाव की तैयारी करना था। और अपने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला बड़ा शांत जिला है, खासकर करेरा तो इतना शांत है कि मेरे को 3 महीने हो गए जब तक कोई बात नहीं हुई थी, ये 4 महीने चालू होने पर जो घटनाएं घटी है फिर भी उनको हमने संभाला है, आज शांति है। तो इसीलिए हम लोग बुलाए, सभी समाज के लोग आए और सभी लोगों ने यहाँ पर अपना अपना स्पीच दिया है, सबने अच्छा बोला है। तो इसमें क्या है कि कहीं कोई जो झगड़ा होता है शुरू में बोला कि अपराधी अपराधी होता है, तो अपराधी की कोई जात नहीं होती है भाई। अगर कोई व्यक्ति घटना घटित करता है तो आप जो है फरियादी पार्टी या जो पीड़ित पक्ष है उसका समर्थन कीजिए और आरोप पक्ष का निंदा कीजिए, कभी सांसद दीजिए। तो ये तो घटना में हुआ, लेकिन चूंकि पुलिस ने दोनों जगह सही कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, तो ये बुलाने का जो मकसद था यही था हमारा। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अभी तो आज बोल भी पा रहा हूँ, मेरा गला बहुत ज्यादा लगा हुआ, बोल नहीं पा रहा हूँ, मैं तो घंटों बोलता रहूंगा। तो सभी लोगों से निवेदन है, सब समाज के लोग यहाँ पर पधार रहे हैं, तो इसमें यह है कि कहीं कोई झगड़ा होता है तो आप किसी पर जाति वाद का कोई पक्ष नहीं करें, सीधा सीधा आप तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसकी मदद करें और आरोपी पक्ष उसको पकड़वाएं, पुलिस से कानूनी कार्रवाई करें। कानून बना है, सबको मालूम है, आज चलिए सदियों से अपने कानून है और अपन कानून के सहारे ही है और कानून फैसला करता है, अपन कानून हाथ में नहीं लेते, अपन छोटी छोटी बातों पे कि नहीं ये हमारा समाज का नहीं, आरोपी को कोई जात नहीं। अगर कोई व्यक्ति अगर हुआ है पीड़ित है उसके साथ हमारी सहानुभूति है और अभी जो घटनाएं हुई है उसके संबंध में हम सभी लोग आपके साथ मिलकर उसकी निंदा करते हैं, निंदा प्रस्ताव करते हैं कि जिन लोगों ने घटना घटित की है गलत की है भाई, सहमत है सब लोग बैठना, इतनी बड़ी घटनाएं हुई बताइए भाई, सरपंच साहब निंदनीय है घटना नहीं है भाई, जिन लोगों ने घटनाएं की है निंदनीय है,
कानून का डंडा चल रहा है, सबको जेल भेजा जा रहा है, कोई मकसद नहीं जा रहा है। तो ये मकसद ये था हमारा जो मीटिंग बुलाने का था मकसद, कि सभी लोगों को बुलाएं कि जरा भी कोई बात होती है हमको बताइए, हम तत्काल एक्शन लेंगे। क्योंकि अब चुनाव हो गया, उस दिन देखिए कि जब घटना घटती है 17 तारीख को, तो यहाँ पर कोई नहीं है, पूरा स्टाफ चुनाव में लगा है, थाने का स्टाफ लगा है, 2 व्यक्ति थे सिर्फ। घटना घटी तो TI साहब और मैं थे, दोनों भागे अब रात में, और उसी दौरान खबर आती है कि चुनाव की बस खराब हो गई है। बताइए हम बस को देंगे वो बहुत महत्वपूर्ण या वहां देखिए। इसके बाद ही हमने किया, मैंने मौके में पहुंचे, तत्काल सभी 7 घायलों को भेजा, इलाज कराया, तत्काल सबको ग्वालियर रेफर किया, 5-6 एम्बुलेंस बुलवाई, हमारा स्टाफ गया, 1-2-8 का बल शांत हो गया, अभी तक हमारा बल लगा हुआ है, हमारा इलाज जो चल रहा है, सब तरीके की मदद की जा रही है। तो हम सभी लोगों के साथ में है, जो पीड़ित व्यक्ति है, हम अपराधी के साथ नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि कहीं भी कोई छोटी मोटी बातें होती है या कोई घटना होती है, तो उसको बड़ा रूप नहीं दिया जाए, बल्कि आप छोटा रूप रहते हुए उसको सबसाइड करें, तत्काल बताएं, FIR हो, उसको अपराधी झेल जाए, यही मेरा कहना है। धन्यवाद अध्यक्ष सभी पत्रकार महोदय जो यहाँ पे आए हैं, सभी एवं गणमान्य नागरिक सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और जो भी सुझाव आए हैं उन पर हर समय प्रयास करूँगा, सुधारने का प्रयास करूँगा। और जो सब्जी वालों के बारे में बात आई है या घेरा वालों की बात आई है, उस पर मैं सुधार करने का पूर्ण प्रयास करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।